तो दोस्तों नए दिन की शुरुआत करते हैं नई वीडियो के साथ। जय भोले जय शंकर। तो भाई एक चीज अपने साथ बहुत गलत होता है, हम जहाँ भी जिस एरिया में जाते हैं ज्यादातर हमें संडे देखने को मिलेगा। अभी जैसे डिब्रूगढ़ में कल पहुंचे थे तो आज संडे है तो पूरा मार्केट बंद है। तो अभी हम आए थे रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर हम कल रात को पहुंचे थे, तो उस टाइम कुछ देख नहीं पाए थे। अभी मैं आपको ना जो रेलवे स्टेशन पहले वो दिखाते हैं, और ट्रेन भी यहाँ पे बहुत ही कम रहती है। तो अभी आपका एक दरवाजे के सामने हम खड़े हुए, यहाँ पे साइकिल हमने पार्क कर दिया है दुकानों के सामने, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है ना। और यहाँ पर भाई अपना चोरी चकारी से बच कर रहेंगे तो अपना सेफ रहेगा, दुकान वाले देखते रहेंगे तेरे नजरों से। और ये है कमाल भाई, एक अड्डे का मतलब देसी थर्री पौवा जिसको बोलते हैं। और ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। तो इस साइड में भाई एक इंजन का डमी खड़ा हुआ है ये वाला। अभी पहले जमाने में देखो भाई कैसी डमी होती, मतलब इंजन होती, देखो कितने बड़े बड़े उसके टायर है। वो जो घोड़ा गाड़ी होती है ना उसके चक्के जितने इसके वो है बड़े बड़े, ये फिर छोटा वाला है। तो भाई हम आए हैं और ट्रेन वो देखो उधर जा रही है, वो हॉर्न दे रही है ना जो। तो ट्रेन तो जा चुकी है भाई, अभी जितने भी लोग थे सब जा चुके हैं और कुछ ही बचे हुए हैं। इतनी भीड़ भी नहीं है, देखो पूरा खाली स्टेशन हो चुका अब तो। अरे भाई मजा आता है क्योंकि साइकिल राइड करते हुए 2 महीना हो गया अभी। ये एक अलग ही सफर होता है ट्रेन का भी, बस का, कार में, बाइक पे, साइकिल का अपना है। लेकिन एक सफर से दूसरे सफर में आते हैं ना, जैसे हम साइकिल से यहाँ पे ट्रेन आए थे तो हम इमेजिन कर रहे थे कि ये जब हम ट्रेन में सफर करेंगे ना मेहनत करनी, ना साइकिल चलाना, सुबह अपना बैठे आराम से जा, बस डेस्टिनेशन पे जाना होता है ना। ये कभी बारिश वारिश कुछ भी आती रहे अपनी एक अच्छी जगह पहुँच जाएंगे, ट्रेन पहुँचा देगी और आराम से बैठे हुए जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, सो जाएंगे। देखो यार कितना इमेजिनेशन कर लेते हैं हम जब ऐसे सफर में जाते हैं ट्रेन बस वगैरह में। लेकिन साइकिल पे क्या इमेजिन करते, सोचते हो कि भाई आज कहाँ रुकना है और थक जाएंगे और बीच में रुक जाएंगे, भाई अलग ही एक्सपीरियंस रहता है साइकिल पे भी। तो भाई ये जो डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन है यहाँ से सबसे लंबी ट्रेन चलती है भाई, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, और तकरीबन 4200 किलोमीटर का सफर तय करती है। और ये जो सफर तय होता है ये होता है 79 hours इसमें लगता है, और इसके स्टॉपेज होते हैं 57 to 57 का इसके स्टॉपेज लेती है। उसके बाद भाई ये हफ्ते में सिर्फ एक ही ट्रेन चलती है, और वो तो आपको पता करना पड़ता है कि कौन सी ट्रेन चलती है, नंबर भी पता लग जाता है इसमें। ये है भाई यहाँ का मेन चौक जहाँ से कितने रास्ते जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, मुझे तो याद भी नहीं कि हम रातों किस रास्ते से आए थे। और यहीं में पास में है पुलिस स्टेशन, ये रहा। अभी देखो क्या हाल है मार्केट का, एक आध दुकान खुली हुई है बस पूरा बंद है। तो भाई शुक्र है गूगल मैप का जो मैं यहाँ ले आई है DTP, और देखिए आगे लिखा है DYK, ये इस साइड से उल्टा आगे से सीधा दिखाई देगा क्योंकि इधर तो हम जो आ रखे हैं इस वाले साइड में, और उधर है एक लेक, ये नदी है वो तो पता करेंगे भाई कौन सी नदी है। देखो पूरा उस वहाँ से पूरा ये फैला हुआ भाई दूर तक, और ये वाला मेन रोड है जो जहाँ से सब जा रहे हैं ना ये। तो भाई अभी ना साइकिल हमें ऐसे लेके आनी पड़ेगी क्योंकि जो मेन रास्ता है वो बंद है। अबे चल 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 चल, तेरे जैसे उठानी पड़ेगी भाई। तो भाई यहाँ पर एक साइकिल है जिसको मॉडिफाई करके भाई ने स्पीकर लाइट और इसके बैटरी वैटरी है। तो भाई देखिए हमारी साइकिल को देखने के लिए कितने भाई रखे थे और सब ऐसे। जो उधर क्या आ गए घूमने के लिए, उधर हॉस्पिटल है, गार्डन है। अच्छा तो अभी हम रुके क्योंकि बोट इसको ही देखेंगे जाएंगे, और इधर ये थोड़ा अलग ही बना रखा है, ये ब्रिज वगैरह बना रखा कोई पत्थर की उससे। तो भाई यहाँ पर जो ब्रिज बना हुआ ना वो कुछ इस तरीके का बना रखा है कि ये जो पत्थर की बीम बना रखी है ना सब इस पे चढ़ रहे हैं उधर आगे से, लेकिन मैं इधर से चढ़ के चलूंगा क्योंकि ये चीजें करने में ना मजा ही अलग आता, बस कोई ये खुले ना किसी का। तो भाई एक मिनट देख, बाकी अगर जूता फिसल गया ना तो दिक्कत है तो दिक्कत है, नहीं तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं। उधर तक जा रहे हैं तो इधर से ही चलते हैं सब। सामने हॉस्पिटल है। हाँ हॉस्पिटल एक भाई ने बताया, वही होता है ना जो चीज़ बता देना वो फिर दिमाग में घुस जाता है और फिर
होने के चांस रहता है पूरा 80-90%। तो भाई इधर बोट में मॉडिफाई हो रही है, जो फट्टे गल चुके हैं उनको चेंज करें लकड़ी को, और ये देखो फंसी हुई है बेचारी, पानी तो है ही नहीं। उधर से लोग जा रहे हैं, उधर से आ भी रहे हैं। इस ब्रिज का नाम क्या दोगे तुम? ये सेल्फ मेड ब्रिज है इसका कोई नाम नहीं, ये बिना नाम का ब्रिज है। बाकी नदी है, ब्रह्मपुत्र है, पानी के ऊपर बने हुए सेल्फ मेड बना रखे, जो उनपे से अब चलना है। गिर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामान थोड़ा बहुत बिक जाएगा तो बचा लेंगे, लेकिन कैमरे वगैरह बच रहे ना 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 वो चीज़ नहीं, क्योंकि दूर से चलेंगे यार, बढ़िया एंगल आना चाहिए एकदम ऐसे इन पे ना। मैं हम तो आसानी से चल लेंगे यार, कितना भी जल्दी से चलवा लो इन पे। तो गाइस अभी जितनी भी हमने नदी पुल देखा है, ब्रह्मपुत्र तो बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन जो दूर से हम दिखाते हैं ना कि भाई रेत है पूरा एकदम रेगिस्तान टाइप का, वो देखो अब हम उसमें आ भी चुके हैं। अभी इधर तो रेत पूरा गीला है, और इसमें ना जैसे इसको खोद देंगे ना थोड़ा पानी जरूर निकल के आ जाएगा। उधर जो हम पुल से चलते रहते थे सड़कों से तो सूखा ही दिखाई देता था एकदम सफ़ेद, लेकिन अब इधर है गीला। और भाई जो सूरज अभी सनसेट होएगा ना इस वाले पॉइंट पे, देखो क्या गजब का लगने वाला अभी सनसेट होएगा। तो भाई मैं अभी ना इसको खोद के इसमें ना पानी निकालने की सोच रहा था कि भाई देखते हैं कितना नीचे तक इसमें पानी निकलता है। वैसे गिल्ली तो है बहुत ज़्यादा अभी, बस या दांत तो मेरा वो होती है किरकिराट आती है ना, ये ऐसे दांत वो कड़कड़ करते हैं। या एक बार चक्के दे चक्के देख लिया तो खा भी एक टाइम का रोटी बंद हो जाएगा, इसको खा लिया जिसने भी भाई क्या हुई। वैसे आने वाला मेरे हिसाब से इसमें पानी, अब कितना परसेंट हो गया यार, नहीं ज्यादा गिला आ गया ये देख। तो भाई देखो ये है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसको हम दूर से ही देख रहे थे, इतनी पास से देखो। बाकी इधर तो शाड़ी में बहुत गंदगी हो रखी है, पन्नी बोतल बोतल सब आ रखे है भाई, और बीच में भी बहुत सारा कचरा आ रखा है। देखो बोतल तैर रही देख, ये पता नहीं किधर से आई, इधर से आई या पीछे से आ रही है, लेकिन भाई ऐसा क्यों मत करो। देखो दो भाई उधर जा रखे है, वो जो पार्ट आ रखा ना बीच में सूखा रेत का गीले रेत का, तो उधर जा रखे है। और क्या है ये देखो, यहाँ ये कांच की बोतल फोड़ रखी है, इधर फोड़ रखी है, उधर किसी ने दो नंबर का रखा है। तो क्या यार उधर देखो कितना कचरा आ रखा है भाई, क्या पता नहीं किधर से आ रखा है, इधर का ही है उधर से आ रखा है, लेकिन है भाई। और देखो उधर सनसेट हो चुका है, जो दिख रहा ना पूरा एकदम लाल, उधर अभी था 5 मिनट पहले एकदम सूरज गायब, लेकिन वो अपना वो छोड़ गया रोशनी। तो भाई अभी जा रहे हैं वापस, और अंधेरा भी हो गया है। तो ये है भाई डिब्रूगढ़ में गुरुद्वारा, और यहाँ पर हमने अपनी साइकिल पार्क करके देखो, दो उधर खड़ी है, दो अपना ही है बिना उसके खड़ी है, इनका कोई जगह ही नहीं मिल रही इनको खड़ी करने, देखो उधर खड़ी करो भाई। तो भाई अभी घूम के आ चुके हैं, और बहुत सारी बातें आज पता चली हुई, जैसे जो डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन है वहाँ से इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन जाती है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है भाई, मैंने उसको बाकी डिटेल जो उसकी थी मैंने बताई थी। और अभी एक लेक पे घूम के आए, मतलब जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन वो एक जगह बना रखी है जहाँ पे बहुत सारे लोग जा रखे हैं, कपल जा रखे हैं, मतलब फैमिली भी जाती रहती है, और वहाँ पे साइकिल वगैरह चलाते भी, जो हम चला के घूम रहे थे देख लो वीडियो में, मज़ा आएगा। मतलब एक अच्छी जगह है यहाँ पर डिब्रूगढ़ में, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन संडे वाले दिन बहुत सारी चीज़ें बंद रहती है। मेन होती है कि मार्केट देखा है आप लोगों को क्या मार्केट में, क्योंकि हम पहुँचते रात को मार्केट, मतलब रात को तो टेंशन रहती है कि रुकने का देखना, फिर अपना खाना वाना पीना सब कुछ रहता है यार, और जिस दिन में मार्केट बंद रहता है यार, तो क्योंकि यहाँ पे एक से बढ़कर एक शोरूम है, ये पूरा सिटी जो है मज़ेदार है। और ये देखो ये जो बिल्डिंग है ना, ये ट्रेंड्स शोरूम है, ट्रेंड्स जो है ना वो शोरूम ये बराबर में ही है, तो समझ जाओ कि कितना बढ़िया टाउन है ये। तो अभी चलते भाई कमरे में, और अपना वीडियो वगैरह एडिट कर लेंगे, फिर खाना तो खा लिया भाई, आज दोपहर में ही लंगर हो गया था मजे वाला 2-2.5 बजे के आसपास में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम।